उस समय जब वहां पर ट्रेड यूनियन बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, बम जानबूझकर खाली जगह पर फेंके गए क्योंकि बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, केवल इन बिलों का विरोध करना था। और उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर गिरफ्तारी दी दोनों भागे ने। गिरफ्तारी देने का उद्देश्य यही था क्योंकि संगठन बड़ा छोटा था और जो कांग्रेस जैसा बड़ा संगठन था वो इनको मतलब कुछ मानते भी नहीं थे, इनको वैल्यू भी नहीं देते। बड़े बड़े जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के पीछे कितने लोग थे, ये तो इनके पीछे बहुत कम लोग थे। और कुल मिला गया गांधी जी तो उतरेड़ा सा खेलता था, उतरेड़ा टीके रहा। तो इनको अपनी बात जनता तक पहुंचाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बात जनता तक पहुंचाया जाए और कैसे जनता से जुड़ा जाए। तो इसलिए जानबूझकर गिरफ्तारी दी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ताकि अदालतों के माध्यम से बात है वो जनता तक पहुंचाई जाए। इसके सोचा कुछ था और हो गया कुछ और। भगत सिंह पर केस चला लाहौर षड्यंत्र केस में। कौन सा था लाहौर षड्यंत्र केस? यही था सैंडर्स के हत्याकांड केस चला, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए राजगुरु और सुखदेव भी। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई राजगुरु और सुखदेव के साथ, जो अपने सारे जानते हैं। कब हुई थी तीनों को फांसी? 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई लाहौर जेल में, लाहौर षड्यंत्र केस में। कौन सा था लाहौर षड्यंत्र केस? सैंडर्स की जो हत्या की गई थी वो। चंद्रशेखर आजाद भी पकड़ में नहीं है और वो कभी पकड़ में आई भी नहीं। अभी उनकी वो पुण्य तिथि अपनी मनाई है, कितनी तारीख को थी? व्हाट्सएप पे खूब चल रहा था ना चंद्रशेखर आजाद, 27 फरवरी को इन्होंने खुद को गोली मार दी थी। वो बात अब करेंगे अपने 2 मिनट बाद में। 23 मार्च 1931 लाहौर षड्यंत्र केस में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। ये सारा का सारा ऐसे सारे से संबंधित बात है, ठीक है। उसके बाद अपने थोड़ी थोड़ी बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की और भगत सिंह की। बातें करने को बहुत होती है लेकिन जहां तक मेरा मानना है अपन बात केवल वही करनी चाहिए जिसकी पेपर हो संबंधित है, जिसकी पेपर में आवे, ठीक है। आसे पासे की बातों कोई मतलब नहीं। रीटर पटवार कॉन्स्टेबल है, छोटी से लेवल की एग्जाम में कोई लंबी चौड़ी किताबा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। कई इंसान सारा या करो ऑथेंटिक बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, यहाँ करो यहाँ करो, टेक्स्ट बुक पढ़ियो सिलेक्ट सुनो बाद में। अब तो केवल एक गाइड पढ़ो अभी ने एक एक गाइड 20 किताबा एक एक पढ़ना बढ़िया है कि एक गाइड 20 पढ़ लो, ठीक है। छोटा लेवल का एग्जाम है अनमोल माजनो ही तो ही कई बढ़िया सी गाइड एक अच्छी सी कोचिंग नोट्स दस कर। चंद्रशेखर आजाद की बात करा, जन्म कब हुआ? वैसे पूछेंगे नहीं पेपर में, ये भी कोई नहीं पूछेगा चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ, फिर भी अपने बात कर लेते हैं। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा ग्राम में इनका जन्म हुआ। ये वैसे पेपर के प्रश्न नहीं, ना कभी पूछे गए और ना ही कभी पूछे जाएंगे। पिता का नाम सीताराम था, माता का नाम जगरानी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी बनारस में हुई थी, बनारस के संस्कार स्कूल में पढ़े थे। वैसे ब्राह्मण थे जाति के, बनारस के संस्कार स्कूल में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन 1920 में। ये छोटे मोटे जितने भी क्रांतिकारी आगे जो बड़े क्रांतिकारी बने थे वो क्रांतिकारिता का पाठ उनको असहयोग आंदोलन ने ही बढ़ाया था। वहीं से पता चला था कि क्या मांग है देश की, क्या आवाज है। और छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में कूद पड़े थे जिसमें एक चंद्रशेखर आजाद भी थे और भगत सिंह भी थे जिनकी उम्र उस टाइम 12-13 साल हुआ करती थी। तो असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद ने भाग लिया, 12-13 साल की उम्र थी। 1906 में जन्म है, 14 साल मान लो आप इतनी उम्र थी। पकड़ा गया उनको, आपने वो बात सुनी होगी कि मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, इसीलिए वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। पिता का नाम क्या? पिता का नाम स्वतंत्रता है। मतलब बड़ी बेबाकी से एक बच्चा जवाब दे रहा था मजिस्ट्रेट को कि घर कहाँ है, पता क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, कि पता जेल खाना है मौके पर तो जेल खाने में रहते हैं। तो मजिस्ट्रेट ने इनको 14 बेंत मारने की सजा दी थी उस टाइम, और हर बेंत के साथ इन्होंने कहते हैं कि
वंदे मातरम का नारा लगाया। इतने छोटे से बच्चे के अंदर इतना जज्बा देशभक्ति का, कहने का तात्पर्य ये है बिना घबराए बच्चा है वो अपनी बात बेबाकी से कह रहा है, ना उसको मार का डर है ना उसको खेत में जाने का डर है। बाद में अपने पढ़ चुके हैं कि अच्छे सारे नाम का इन्होंने संगठन बनाया, अचारे से भी जुड़े हुए थे, काकोरी कांड हुआ उसमें ये शामिल थे। अच्छे सारे नाम का संगठन बनाया, उसके अंदर जो सैंडर्स की हत्या की गई उसमें भी इनका हाथ था, बल्कि इन्होंने खुद ने गोली मारी थी सैंडर्स को। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था उसकी योजना बनाने वाले चंद्रशेखर आजाद जी थे। एक संकल्प लिया था कि जिंदगी भर आजाद रहूंगा और उस संकल्प को जिंदगी भर निभाया। घटना है 27 फरवरी 1931 की इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्हें पुलिस ने घेर लिया। खुद के पास पिस्तौल में कोई 5-6 गोलियां थी, जब तक वो गोलियां पास में रही लड़ते रहे एक पेड़ को अपना मोर्चा बनाकर पेड़ के पीछे छुपकर। जब एक गोली बची तो वो गोली खुद को मार दी और आजाद रहने का संकल्प कि जब तक जिंदा रहूंगा पकड़ा नहीं जाऊंगा ये उनका संकल्प था, तो गोली खुद के मार दी। वो पूरी फिल्म आपने अगर भगत सिंह वाली फिल्म देखी है तो वो भी इसमें दिखाते हैं। कहते हैं कि किसी ने सूचना दी थी कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अभी चंद्रशेखर आजाद है, उस सूचना पर वो आए थे। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख लेना, 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा गिर जाने पर स्वयं को गोली मार दी चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह की बात करते हैं, भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था? पंजाब के लायलपुर नाम का एक कस्बा है, वहां के बंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। वैसे ये कोई पूछना है नहीं कब हुआ था जन्म, 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ। पिता किशन सिंह, माता का नाम, भगत सिंह की माता क्या नाम था, विद्यावती देवी था याद नहीं, पिता किशन सिंह। भगत सिंह का नाम भगत सिंह क्यों पड़ा था, भगत का अर्थ होता है भाग्यशाली, भगत शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली। इनके चाचा भी क्रांतिकारी थे और तिलक जी के साथ जेल में रहे थे मांडले जेल में। कहते हैं कि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन इनके चाचा को कैद से रिहा किया गया था, तो इनको भाग्यशाली मानकर इनका नाम भगत सिंह रखा गया। ये भी असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ शामिल थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बीच में बंद किया तो ये गांधी जी से नाराज हो गए मन ही मन, और इन्होंने अपना अलग संगठन बनाने का सोच लिया और गांधी जी के विचारों से भिन्न अपना एक नया संगठन बनाया। उसका नाम था 1926 में जो बनाया गया नौजवान सभा। तो ये आप लिखोगे नौजवान सभा नाम का जो क्रांतिकारी संगठन है वो 1926 में भगत सिंह ने बनाया था, छबील दास भी था एक भगत सिंह के साथ। उसके बाद अच्छे सारे के सदस्य रहे, अपने पढ़ के आए हैं अच्छे सारे को, अच्छे सारे नाम भी इन्होंने दिया था। सैंडर्स की हत्या की गोली इन्होंने मारी थी, उसके बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका, वो भी बात अपने की है 8 अप्रैल 1929 को, उसमें भगत सिंह थे। फिर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई। ये बातें सारी की सारी अपने इससे संबंधित है। एक छोटी सी बात और लिख लो, मेरे बीच में याद आ गई, चट्टगांव षड्यंत्र क्या था, एक ही बात लिखेंगे बस। अप्रैल 1930 में हुआ था, मास्टर सूर्य सेन ने किया था। चट्टगांव नाम की जगह पूर्वी बंगाल में पड़ती है और वर्तमान में बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल में चट्टगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार को लूट लिया गया। ठीक है, मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अप्रैल 1930 में पूर्वी बंगाल के चट्टगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार को लूट लिया। इस मामले में मास्टर सूर्य सेन को फांसी दी गई।
ठीक है, अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, उनके आजाद हिंद फौज की बात करेंगे, और उसके साथ वो मेन मेन संगठन पूरे हो जाएंगे जो कि 1919 के बाद जो मुख्य मुख्य क्रांतिकारी संगठन थे। अपने बात की एचआरए की, एचएसआरए की, और उसके बाद अगला आता है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज वह सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। पिता जानकीनाथ बोस जाने माने वकील थे, बड़े प्रतिष्ठित परिवार था उड़ीसा का, 14 भाई बहन थे। 9वें नंबर पर सुभाष चंद्र बोस। पढ़ाई में बड़े इंटेलिजेंट थे, आईसीएस परीक्षा जो वर्तमान में जिसको आईएएस बोलने लगे हैं, उस टाइम आईसीएस बोलते थे आजादी से पहले, इंडियन सिविल सर्विस, अब इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलने लगे हैं। अकेली भारत में नहीं होती थी, भारत प्लस ब्रिटेन में होती थी, दोनों की कंबाइंड होती थी परीक्षा, और भारत में तो होती नहीं थी। ये मांग थी कि आईसीएस परीक्षा का आयोजन ब्रिटेन के साथ साथ भारत में किया जाए, ये क्रांतिकारियों की मांग हुआ करती थी। ब्रिटेन में जाकर पेपर देख के आना पड़ता था, लंदन वगैरह में। तो सुभाष चंद्र बोस 1920 में इस परीक्षा में ऑल ओवर चौथी रैंक आई थी वर्ष 1920 में, और 23 साल आयु थी अधिकतम इस परीक्षा को देने की। भगत ने इन्होंने पहली बार पेपर दिया था तो उम्र इनकी 23 साल हो रही थी, पहली बार एग्जाम दिया और ऑल ओवर भारत प्लस ब्रिटेन में चौथी रैंक पर सिलेक्ट हुए थे। इतने बड़े एग्जाम में तो बड़े विद्वान थे, लेकिन सरकारी नौकरी करने का मन में नहीं था, ये तो खुद को साबित करना था लोगों के सामने। सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि स्वामी विवेकानंद से बड़े प्रभावित थे, अरविंद घोष से बड़े प्रभावित थे, देश सेवा का संकल्प लेकर जी रहे थे। तो परीक्षा पास की, इंग्लैंड से आ गए भारत, और भारत आकर किस चीज से जुड़ गए, असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। सभी वहीं से शुरू होगा, सभी का राजनीतिक जीवन वहीं से। मैंने बता रहा था कि सुभाष चंद्र बोस के पिताजी नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अंग्रेजों के वकील, अंग्रेजों के वकील। उनका कहना था कि मतलब जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता को कहा कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग लेना चाहता हूँ, तो उनके पिता ने कहा कि आप ये मतलब आवारागर्दी करने का एक ख्वाब सोच रहे हो, असल में आप कुछ हो नहीं, आप खुद को साबित नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता को कहा कि मैं आपके जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करूंगा, और उसको क्वालिफाई करने के बाद में उससे चैप्टर देकर फिर स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर शामिल होगा। बिल्कुल ऐसा ही था, पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे जानकीनाथ बोस कि सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई में शामिल था, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के वकील थे, जाने माने वकील थे, अंग्रेज ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसमें बड़ी पेट थी जानकीनाथ बोस। सभी क्रांतिकारियों के साथ ऐसा रहा था, घर छोड़ छोड़ के, भगत सिंह की तो शादी कर रहे थे, बीच में छोड़ के आए थे, शादी बीच में छोड़ के आए थे। चंद्रशेखर आजाद भी पिता नहीं चाहते थे कि वो आजादी की लड़ाई में, तो सभी क्रांतिकारियों के साथ ही ये विडंबना रही थी कि उनको आजादी की लड़ाई में अपने घर वालों से अलग होकर आजादी की लड़ाई में शामिल होना पड़ा। तो सुभाष चंद्र बोस लंदन से आगे भारत, और भारत आकर असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। बंगाल में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। चित्रंजन दास को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, सी आर दास के नाम से जो मशहूर है, चित्रंजन दास के मार्गदर्शन में ये आंदोलन में शामिल हुए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो पेपर में आने वाला प्रश्न है वो वहां पर आते हैं सीधा। कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे सुभाष चंद्र बोस? 2 बार अध्यक्ष रहे। कौन से सम्मेलन में अध्यक्षता की थी? या 2 बार आईएनसी के अध्यक्ष रहे। आईएनसी का अर्थ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में अपनी बातें बात करेंगे थोड़ी सी, क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 2 बार आईएनसी के अध्यक्ष रहे थे। हर साल दिसंबर माह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ करता था, बाद में 50-60 सम्मेलन दिसंबर माह में ही हुए थे हर साल, उसके बाद ये अलग अलग होने लगे थे, सॉरी 30-35 सम्मेलन दिसंबर माह में हुए थे, फिर दिसंबर के अलावा भी होने लगे थे। तो ऐसा ही सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1938 में हरिपुरा में, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा नाम की जगह दक्षिणी भारत में थे। और अगला, उससे अगला सम्मेलन हुआ दिसंबर 1940 में त्रिपुरी अधिवेशन, ये भी दक्षिणी भारत का, ये तो त्रिपुरा,
दिसंबर 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और दिसंबर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये पेपर के प्रश्न, निम्न में से किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की? ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, ऐसे आते हैं। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1938 और 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया था, वो भी पेपर का प्रश्न है, पटाभी सितार मैया। उसने किसको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुए थे? पटाभी सितार मैया गांधी जी के चहेते उम्मीदवार थे। सुभाष चंद्र बोस इनको हरा कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी इतना नाराज हुए कि बोलना ही बंद कर दिया था। जब गांधी जी की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सुभाष चंद्र बोस ने गुस्से में आकर अध्यक्षता छोड़ दी। अध्यक्षता छोड़कर इन्हें कांग्रेस के 3 या 4 वर्ष के लिए निष्कासित भी किया गया था। जब इन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया तो इन्होंने अपना अलग दल बना लिया, एक अलग संगठन बना लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। 3 मई 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का संगठन इन्होंने स्थापित किया था। मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी थी ना, ऐसे ही एक राजनीतिक दल सुभाष चंद्र बोस ने अपना बनाया था। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन है। या कांग्रेस के अध्यक्ष था और सदस्य था दोनों छोड़कर, कांग्रेस से अलग होकर 3 मई 1939 को अपना अलग दल बनाया है जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया था। महायुद्धों की बात अपने करने का कोई मतलब नहीं, अपने सिलेबस के टॉपिक नहीं है, अपने भारत के टॉपिक नहीं है, लेकिन जब जब भी महायुद्ध होंगे भारत का रोल उसमें जरूर आएगा, क्योंकि महायुद्ध में इंग्लैंड शामिल था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो भागों में ये युद्ध होंगे। मित्र राष्ट्रों का एक प्रमुख देश हुआ करता था इंग्लैंड। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड और फ्रांस ही मेन थे, अमेरिका तो बाद में आया था। इंग्लैंड हर बार ये कोशिश करता है कि भारतीय इस युद्ध में हमारा साथ दे। प्रथम महायुद्ध में तो भारतीयों ने जी जान लगाकर अंग्रेजों का साथ दिया था, इस उम्मीद से दिया था कि युद्ध में जीत के बाद अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छा करने की बजाय बुरा किया, क्योंकि युद्ध में खूब पैसा लगा अंग्रेजों का, पैसे की कमी आ गई, और जब युद्ध बंद हो गया तो अंग्रेजों ने उस पैसे की भरपाई करने के लिए भारतीय किसानों पर खूब टैक्स लगाया था, टैक्स की मात्रा बढ़ा दी थी, और भी बहुत सारे अत्याचार भारतीय जनता पर किए गए थे। तो इस युद्ध दूसरा महायुद्ध जब छिड़ा तो कोई भी तरीके से भारतीय अंग्रेजों के साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, और अंग्रेज पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके भारत को इस युद्ध में शामिल किया जाए, क्योंकि उन्हें तो सैनिकों की जरूरत थी, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीय एक अच्छे लड़ाके हुआ करते थे, युद्ध में बड़ी बहादुरी से वो लड़ा करते थे, अच्छे सैनिक थे भारतीय लोग। दिक्कत थी कि भारतीयों को नेतृत्व करना नहीं आता था, लीडरशिप नहीं आती, लीडर्स आज भी ये प्रॉब्लम तो है, मेहनती तो अपने आज भी है लेकिन आगे बढ़ के काम करने की दिक्कत है आज, ये भारतीय खूनी है सर। जब तक कोई डर ना हो अपने काम नहीं करते, सीधी सी बात, ऊपर से कोई दबाव के बगैर अपने काम करते नहीं, सेल्फ मोटिवेशन अपने खून में बदकिस्मती से है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान अंग्रेज कोशिश कर रहे थे कि भारतीयों का सहयोग लिया जाए। सुभाष चंद्र बोस क्या कोशिश कर रहे थे कि यह मौका है भारत को आजाद कराने का, जो अंग्रेजों के दुश्मन है जर्मनी और जापान मुख्य रूप से, उनका सहयोग लेकर एक सेना बनाई जाए और अंग्रेजों पर धावा बोल दिया जाए भारत में, क्योंकि अंग्रेज तो युद्ध में उलझे हुए हैं, और जब इनके दुश्मनों की सहायता से हम अंग्रेजों पर धावा बोल देंगे तो अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने का और भारत को आजाद कराने का ये बहुत अच्छा अवसर है। जब सुभाष चंद्र बोस ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां बना रहे थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत भी बिगड़ गई तो इनको जेल से तो छोड़ दिया गया, लेकिन इनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। कलकत्ता के अंदर इनका जो घर था वहां पर इनको नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद का अर्थ आप समझते होंगे कि घर के अंदर हो लेकिन घर से बाहर नहीं जाओगे, घर से बाहर पहरा लगा हुआ है, और जाओगे तो निगरानी में जाओगे। सुभाष चंद्र बोस के लिए यहाँ से निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो तो जर्मनी जाना चाहते थे और हिटलर से मिलना चाहते थे, जो जर्मनी का चांसलर था उससे मिलकर
अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में सहायता मांगना चाहते थे, तो कैसे भी करके यहां से निकलना जरूरी था। तो यहां से पठान का वेश बनाकर वो निकल गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस पठान के वेश में निकले थे अपने कलकत्ता के घर से, और पैदल चलते रहे। बड़ी मुश्किल से वो जर्मनी पहुंच पाए थे, जैसे पाकिस्तान के रास्ते होकर ये अफगानिस्तान, पेशावर गए, काबुल गए, वहां से होते होते जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन आज भी है वहां पर पहुंचे। बर्लिन में जाकर हिटलर से मिले और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांगी। जर्मनी लड़ रहा था मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, लेकिन हिटलर ने, हिटलर को सुभाष चंद्र बोस की बात ज्यादा जायज नहीं लगी कि एक प्रतंत्र सा देश, क्या तो ये सेना बनाएंगे, क्या लड़ेंगे, उल्टा हमारी सेना का नुकसान होगा। तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस की कोई सहायता नहीं की। तो निराश होकर सुभाष चंद्र बोस चले गए टोक्यो, जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो से मिले। उस टाइम जापान का जो प्रधानमंत्री था जनरल तोजो, इससे मिले। जनरल तोजो ने आश्वासन दिया सुभाष चंद्र बोस को कि हम आपका साथ देंगे, हमारी सेना आपकी साथ, सेना तैयार करो, हमारी सेना है वो आपके लिए लड़ेगी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कमान संभालेंगे आजाद हिंद फौज में और अपने सिद्ध आएंगे आजाद हिंद फौज जो पेपर के पास है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? नहीं, कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज पहले की बड़ी लिखी। सुभाष चंद्र बोस ने तो उसका नेतृत्व संभाला था। जल्दी से लिख डालो आजाद हिंद फौज का गठन। आजाद हिंद फौज का गठन है कैप्टन या कप्तान मोहन सिंह, 15 दिसंबर 1941। कब किया? 15 दिसंबर 1941। कहाँ किया? जापान में। कई किताबों में से इसका मलाया भी दिया है, जापान, सही जापान। ये डेट मैं जो लिख रहा हूं ना, हो सकता है आप जो गाइड पे डाउन में वो ये डेट ना मिले, कोई अलग डेट मिले, कहीं जगह 1 दिसंबर 1941 मिलेगा, कहीं जगह 1942 मिलेगा। लेकिन मैं लिख रहा हूं तो मैं बहुत जगह से पढ़ के और मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, एज ए निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं। ये जो अच्छी किताबें हैं वो ये तारीख बता रही है, बाकी इन तारीखों में अंतर गार्डियन खूब मिलेगा। तीन गाइड पढ़ोगे तीनों में अलग अलग डेट मिलेगी। लेकिन आजाद हिंद फौज का गठन 15 दिसंबर 1941 को जापान में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था, ये अंतिम सत्य। इसी आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, किसने दी इनकी आजाद हिंद फौज की कमान किसने सौंपी सुभाष चंद्र बोस को? रास बिहारी बोस, जो कि जापान में रह रहे थे। भारत में उनको पकड़ने का प्रयास हो रहा था, क्योंकि भारत के अंदर है, अपने बात करेंगे तो 1919 से पहले का दौर पढ़ेंगे ना, उसमें थोड़ी सी बात रास बिहारी बोस की भी करेंगे कि कैसे रास बिहारी बोस को भारत छोड़ना पड़ा और जापान आना पड़ा। लेकिन वो यहाँ कर लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। एक संगठन भी बनाया था इन्होंने, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग नाम का संगठन रास बिहारी बोस ने जापान में 1942 में बनाया था, लेकिन वो कोई पेपर का प्रश्न नहीं। उन दोनों की संयुक्त कमान सौंपी थी, अपनी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की और ये जो आजाद हिंद फौज थी इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई 4 जुलाई 1943 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पेपर का प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान कब सौंपी गई? कब सौंपी गई? 4 जुलाई 1943। उससे पहले सुभाष चंद्र बोस टोक्यो रेडियो से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की घोषणा कर चुके थे। जून 43 के अंदर टोक्यो रेडियो से ये घोषणा कर चुके थे कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की घोषणा करता हूँ, भी हमारा युद्ध अंग्रेजों से शुरू हो चुका है, क्योंकि जापान ने आश्वासन दिया था कि हमारी सेना है वो आपके साथ है, लड़ेगी, आप सेना इकट्ठी करो। सिंगापुर में कमान सौंपी, ये भी याद रखो। कहाँ कमान सौंपी? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस द्वारा सिंगापुर में सौंपी गई 4 जुलाई 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद नारे दिए 5 जुलाई को। तीन नारे बड़े इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस के, जय हिंद, चलो दिल्ली, तुम मुझे फोन दो मैं तुम्हें आजादी। नारे तो पढ़े होंगे आपने, बड़ा प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे फोन दो मैं आजादी।
जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, चलो दिल्ली का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और इन्होंने इस आजाद हिंद फौज का नए सिरे से पुनर्गठन किया। इसके दो तो मुख्यालय बनाए गए आजाद हिंद फौज के, आजाद हिंद फौज का एक मुख्यालय बनाया गया सिंगापुर और दूसरा मुख्यालय बनाया गया रंगून जो बर्मा में म्यांमार के अंतर्गत आता है। तो लिख देना आजाद हिंद फौज के दो मुख्यालय थे सिंगापुर और रंगून। ये सब पेपर के प्रश्न बात कर रहे हैं, पेपर के अलावा अपनी कोई बात करी नहीं। सिंगापुर और रंगून में इनके मुख्यालय बनाए गए, चार ब्रिगेड बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, वो बहुत बार पेपर में आती है। आजाद हिंद फौज की चार बटालियन या चार ब्रिगेड या चार रेजिमेंट, ये सैन्य टुकड़ियों के नाम, रेजिमेंट ब्रिगेड ये सारी के सारे शब्द है ना, ये सैन्य टुकड़ियों के अलग अलग तरीके से उनके नाम है। तो चार ब्रिगेड सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की बनाई, कौन कौन सी थी? एक तो सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और चौथी थी झांसी की रानी रेजिमेंट। झांसी की रानी रेजिमेंट ये महिला ब्रिगेड थी जिसकी नेतृत्व करता लक्ष्मी सहगल थी। सुभाष चंद्र बोस के साथ फोटो भी आती है लक्ष्मी सहगल आर्मी की ड्रेस पहने हुए, सुभाष चंद्र बोस और उनके साथ चल रही है लक्ष्मी सहगल आर्मी की ड्रेस। ये चार ब्रिगेड पेपर में बहुत बार पूछते हैं, वर्तमान में भी है चार, वर्तमान में कोई आजादी का दिन खत्म बात करा ना जी विकास में अभी खत्म कर दिया। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और झांसी की रानी रेजिमेंट, ये चार ब्रिगेड सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। 21 अक्टूबर 1943 ये डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर के केथ हॉल में, केथ हॉल ये सिंगापुर की जगह है, यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार भी बना दी, ये भारत की एक सरकार का गठन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर के केथ हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थाई सरकार का गठन किया जिसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष बड़े बड़े जितने भी पद थे सब अपने पास ही रखे, खुद ही प्रधानमंत्री वही राष्ट्रपति वही सेनाध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इस सरकार को बहुत सारे देशों ने मान्यता दी थी, वो सारे देश जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे द्वितीय महायुद्ध में, इंग्लैंड के खिलाफ जो लड़ रहे थे, जर्मनी मुख्य था, जापान है, ठीक है, चीन ने भी मान्यता दी थी, फिलीपींस ने भी मान्यता दी थी, मंचूरिया नाम का देश उसने भी मान्यता दी थी, बहुत सारे देशों ने मान्यता दी थी सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को। कहां पर गठन किया, कब किया, इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर 1943 के अक्टूबर में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अस्थायी सरकार गठित की। जापान बोल चुका था कि आप अंग्रेजों पर धावा बोलो, हमारी सेना आपका साथ देगी। यह तय हुआ कि जो भारत की पूर्वी सीमा है जो बर्मा के पास से लगती है भारत की सीमा, वहां से आक्रमण किया जाए अंग्रेजों पर जापानी सेना की सहायता से। जून 1944 में, एग्जैक्ट बात करें तो 4 जून 1944, वैसे ये डेट याद रखना जरूरी नहीं है, 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस रंगून रेडियो से एक भाषण देते हैं और उस भाषण में कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी है और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलकर संबोधित करते हैं कि हे राष्ट्रपिता, आजादी की इस लड़ाई में आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पेपर में यह प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, किसने कहा? महात्मा गांधी के कई नाम, महात्मा गांधी को अफ्रीका में मिस्टर कहकर पुकारा जाता था, मिस्टर की उपाधि किसने दी थी, अफ्रीका में इनके मित्रों ने दी थी 1916 से पहले, 1893 से लेकर 1915 तक महात्मा गांधी अफ्रीका में रहे थे, रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन भी चलाया था, बड़ा सफल आंदोलन था, वहां पर नटाल इंडियन कांग्रेस नाम का एक संगठन भी स्थापित किया था। अफ्रीका में महात्मा गांधी को मिस्टर कहकर पुकारा जाता था। उसके बाद गांधी जी भारत आए, गांधी जी के सारे आंदोलन अपने करेंगे, पहला आंदोलन था भारत में चंपारण जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पर आंदोलन किया, यहाँ के आंदोलन का सफल नेतृत्व करने पर महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, चंपारण के बाद ही महात्मा गांधी को महात्मा के बाद, नाम तो मोहनदास था अपने जानते हैं, गांधी जी का नाम मोहनदास था, पिता का नाम करमचंद। गांधी जी को चंपारण का सफल नेतृत्व करने पर
रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। गांधी जी को बापू भी कहा जाता है, ये बापू नाम भी बापू नाम भी चंपारण में मिला था, चंपारण के लोगों ने दिया था। पर्टिकुलर पूछे तो वेद जीवराम का, जीवराम कालिदास ये नाम, वेद जीवराम कालिदास इन्होंने महात्मा गांधी को बापू कहा। ये सारे इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे। महात्मा गांधी को मिस्टर कहा जाता था अफ्रीका, उनके मित्रों ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को बापू कहा था वेद जीवराम कालिदास ने या चंपारण के लोगों ने, चंपारण की जनता ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो 4 जून 1944 को रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस से महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे राष्ट्रपिता, आजादी की लड़ाई में आप हमें भटक जाएंगे आपकी। चलो टब्बर मेरे पानी पीने बैठा, स्प्रे सब लेगा पानी पीने, पॉज करते हैं।